भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए अटल सौभाग्यवती व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्ति हो जाती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएं ऋषि पंचमी के व्रत के दौरान गंगा स्नान कर लें तो उनका फल कई सौ गुना बढ़ जाता है। कहते हैं अगर ऋषि पंचमी के व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत किया जाता है, ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सैनजीत नामक राजा रहते थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहां रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र के बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जुठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूं। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूं और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को जाती है। उम्मीद है आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।